नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रिया और आलिया इस समय घर के अंदर पुलिस और वकील दोनों के साथ एक बार फिर से कमबैक करेंगी। जी हां, क्योंकि जहां पर रिया और आलिया ने जो आरोप लगाया है इस समय कोहली परिवार के ऊपर कि पहले से ही शादीशुदा था रणबीर और उसके बावजूद अब इस रणबीर ने प्राची से शादी की है, इसलिए अब इसको गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लीगल तरीका से एडवोकेट से नोटिस दिवा दिया है इस समय रिया और आलिया ने, क्योंकि आलिया ने बोल दिया था कि मैं अपनी रिया के लिए कुछ भी कर सकती हूं और किसी भी हद तक जा सकती हूं, मेरे होते हुए मेरी रिया के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों जिस तरीका से घर में एक बार फिर से खुशी का माहौल बनाने की तैयारी चल रही थी, ऐसे में अब आप लोग देख पाएंगे कि घर में एडवोकेट के साथ में कम बैक करेंगी रिया और आलिया दोनों फूफी भतीजी, और जिसके बाद में घर में अनाउंस करती हुई नजर आने वाली है आलिया कि अब घर में कोई भी किसी भी तरीका की खुशियां नहीं मना सकता और ये जो इनलीगल काम किया है रणबीर ने, अब रणबीर को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि रणबीर को लगातार इस तरीका की धमकी देना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही हैं रिया और आलिया। वही प्राची बोलती हुई नजर आने वाली है कि पहले भी मैं वाइफ थी रणबीर की और अभी भी मैं ही वाइफ हूँ, क्योंकि पहले भी मेरे से ही शादी हुई थी और अब भी मेरे से ही शादी हुई है, तो इनलीगल क्या हो गया। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार रणबीर को फंसाने की साजिश कर रहे हैं रिया और आलिया, लेकिन वो किस तरीका से कामयाब होगी वो देखना अभी दिलचस्प होगा, क्योंकि प्राची के होते हुए रणबीर पर कोई मुसीबत आई तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा इस कैसे लगी मेरी वीडियो।